How to apply for the post of clerk, peon, daftari and security guard in CBLU. इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप CBLU में निकली हुई PN की, क्लर्क की, सिक्योरिटी गार्ड की और दफ्तरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या लाडो हमारी नमस्ते, नमस्कार, मैं हूँ पाशा और आप देख रहे हैं कारा बाजू। इसके लिए सबसे पहले आपका आना होगा CBLU की वेबसाइट पर, फिर आप जाएंगे रिक्रूटमेंट में। यहाँ पर आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट, एडवर्टीजमेंट नंबर CBLU NT012019, लास्ट डेट 7 फरवरी है। यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की जनरल की एक पोस्ट है, क्लर्क की 12, दफ्तरी जनरल की 2, सिक्योरिटी गार्ड जनरल की 3 और PN की 19 पोस्ट हैं। फीस जनरल की 500, SC BCA की आप फीस देख सकते हैं। उसके बाद हमें टैप करना है अप्लाई ऑनलाइन पर, यहाँ पर एग्री एंड प्रोसीड। यहाँ पर आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे पोस्ट, तो मुझे एक दोस्त का फॉर्म भरना है PN का, तो मैं फटाफट इनकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है अल्फ़ाबेट प्लस नंबर, कोई भी आप ऐट द रेट या ऐसे सिंबल नहीं यूज करेंगे। उसके बाद अप्लीकेंट का नेम, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उनका जेंडर, वो हरियाणा के डोमिसाइल हैं या नहीं, डोमिसाइल मतलब कि हरियाणा के निवासी हैं या नहीं। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, आधार नंबर, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद क्या आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी या PWD हैं, उसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या आप एक्स सर्विसमैन के बेटे या बेटी हैं, क्या आप एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्या आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, क्या आप अनाथ हैं, उसके बाद है क्या आप स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं, उसके बाद क्या आपके घर में आपके माता पिता, आपके भाई सरकारी नौकरी में थे या हैं, उसके बाद क्या आप विमुख जाति से संबंध रखते हैं, उसके बाद क्या आप RTI एक्ट के अंदर आपकी जानकारी प्रोवाइड करने में कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं, उसके बाद आपके खिलाफ़ कोई चार्जशीट या नहीं है, क्या आप डिसमिस्ड एम्प्लॉय हैं, और उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जिस भी पोस्ट के हिसाब से भरेंगे उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी है, आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपने कौन से ईयर में पास की थी, कितने टोटल नंबर थे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए और सब्जेक्ट कौन कौन से थे। लास्ट में है क्या आपके पास 10वीं लेवल तक हिंदी या संस्कृत की जानकारी है, तो उसके बाद सेवन नेक्स्ट पे आपको टैप करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपकी कंपनी का नाम, आपका एम्प्लॉयमेंट परमानेंट था या कॉन्ट्रैक्ट था, कौन सी पोस्ट थी, कितनी आपकी सैलरी थी, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक आप नौकरी करते थे और आप क्या काम करते थे, उसके बाद हम सेवन नेक्स्ट पे टैप करेंगे। इसी साथ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पर आप अपनी जानकारी एक बार ज़रूर चेक कर लें और अगर कोई दिक्कत है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड करना है फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, जो भी आप पोस्ट अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपका अंगूठे का इंप्रेशन, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी फाइल के साइज में, तो इसके लिए आप पेंट में फाइल को ओपन करेंगे, रिसाइज में जाएंगे और यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अगर आप बड़ी फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपको शुरू से फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर आपकी फ़ोटो का साइज़ छोटा हो जाएगा तो भी आपको शुरू से फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंने 4th टाइम में ये फॉर्म सबमिट हुआ था जाके। उसके बाद अंगूठे का इम्प्रेशन, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है, क्या आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर कोई भाई बंधु ग्रुप डी में सिलेक्ट हो चुके हैं 5 नंबर लेके, तो उन 5 नंबर का दोबारा सहारा ना लें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू होने वाली है। और उसके बाद आपको करना है फाइनल सबमिट पे टैप। ऐसी दिक्कत आपको बहुत बारी मिलेगी, 3 बारी मेरे साथ ऐसा हुआ और 4th टाइम में जाके मेरी फाइल सबमिट हुई। जब आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जिसका SMS आएगा, और उसको दोबारा से डिटेल एंटर करके हम उसकी करेंगे फ़ीस पेमेंट। उसके बाद हम पे एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर क्लिक है टू पे एप्लीकेशन फ़ीस, फीस आप पता चल जाएगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से। फिर आपको एक तरह से फॉर्म फिर से फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ था, कौन सी आपकी पोस्ट है, आपका मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का नेम, पिताजी का नाम, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका डोमिसाइल हरियाणा का है या नहीं, आपका ईमेल आईडी, और आपकी जो अमाउंट है बाय डिफॉल्ट आ जाएगी और हम सबमिट पे टैप करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट, उसके बाद हमें प्रोसीड पे टैप करना है।
यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसी के साथ हमारी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है और आप इस रिसिप्ट का एक प्रिंट आउट या एक सॉफ्ट कॉपी ज़रूर अपने पास रख लें। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कैसे आप CBLU में निकली हुई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से नई पोस्ट या नई नौकरियों की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपकी घंटी बज जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।